परफॉर्मेंस अगर प्लेयर सही से ना दे रहा हो तो सारा जिम्मेदारी जो है वो कैप्टन पे ही जाता है, क्योंकि कैप्टन ही सारा चीज़ को हैंडल करता है। और उसको अगर सही तरह से हैंडल या प्लेयर हमारा, या चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे फील्डर हो, या कोई भी हो, यानी कि हमारे अंदर में ये सारे प्लेयर हैं जो ग्राउंड में है, अगर ग्राउंड में यानी मैं भी अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्लेयर को बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं विराट कोहली ने बहुत सोच समझ के ही लिया है, ताकि आगे कोई अच्छा कैप्टनशिप कर सके, वो अच्छा अपने रणनीति को अपना करके और एक इंडिया को आगे बढ़ा सके। क्या बीसीसीआई से मतभेद भी एक कारण हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना सोच है, अपना अपना थिंकिंग है ना, इसीलिए हम किसी को दोषी नहीं दे सकते हैं, अपना अपना डिसीजन अपना ले सकते हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम स्वयं अपने आपको पद से हटा करके हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, इसके लिए विराट कोहली ने यह कदम उठाया। कैप्टेंसी जब से ज्वाइन किया है तब से वो खेलना मतलब बहुत फर्क पड़ा है, जो कि वो प्रेशर कैप्टन का जो होता है प्रेशर झेल नहीं पा रहा है और वो मतलब अच्छे से खेल नहीं पा रहा है। आपको पता है कि विराट कोहली एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले प्लेयर हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन बीसीसीआई का भी दबाव है और लोगों का भी बहुत सारा जो कमेंट्स है आया है, जिसके वजह से विराट कोहली अपने आप को सबको देखते हुए उसने कैप्टनी छोड़ी है। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारना भी एक कारण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने कैप्टनशिप से इस्तीफा दे दिया है। दक्षिण अफ्रीका में सीरीज हार के बाद उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। आखिर क्या कारण है कि विराट को टेस्ट टीम की कैप्टनी भी छोड़नी पड़ी? वर्ल्ड कप में हार के बाद उन्होंने T20 कैप्टनशिप छोड़ दी थी, वनडे में उन्हें कैप्टनशिप से हटा दिया गया था। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने टेस्ट टीम की कैप्टनशिप छोड़ दी है, या फिर अपने बैटिंग पे फोकस करने के लिए विराट ने कैप्टनशिप छोड़ी है? आइए यही जानने के लिए चलते हैं रांची के कुछ लोगों से, पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि विराट को कैप्टनशिप छोड़नी पड़ी। विराट कोहली परफॉर्मेंस पर नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है, जब से कैप्टनशिप में आए तो कुछ मैच अच्छा चले, बट अभी उनका परफॉर्मेंस काफी खराब चल रहा है, तो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैप्टनशिप छोड़ रहे हैं। जब तक धोनी उनके साथ में थे, धोनी बैक से उनको सपोर्ट मिलता था, बट अब धोनी तो है नहीं, तो पूरा पूरे अकेले पड़ गए, तो बैटिंग के ध्यान में अपना कम दे पा रहे थे, साथ कैप्टनशिप छोड़ने के लिए जो परफॉर्मेंस जो पहले हम लोग जानते विराट कोहली जिस नाम से जिस पहचान से पड़ा वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन में, शायद उस पर अपने आने के लिए कैप्टनशिप को छोड़े होंगे वो। तो हमें पूरा विश्वास है कि विद इन 2 या 3 मंथ में अपने फॉर्म में वापस आ जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप हमारे देश में वापस आएंगे फिर से। साउथ अफ्रीका टूर पर कुछ प्रेशर आ गया था, वहाँ के दर्शकों ने कुछ मतलब ज़्यादा ही बोल दिया था, तो उसके तनाव के क्या कारण ही छोड़ दिया? और क्या लग रहा कि अपने फॉर्म पे चलते भी हो सकता है? नहीं, फॉर्म कारण नहीं हो सकता, ये फॉर्म खराब से चल रहा, छोड़ने का रहता पहले ही छोड़ देता, पर इस बार कुछ हुआ ऐसा इसीलिए। तो ये बार बार ये हार हो रही थी इसीलिए विराट कोहली ने कैप्टन से छोड़ी। और क्या लग रहा है उनका फॉर्म भी खराब था, इसके इस भी कारण हो सकता है? हाँ, ये 3 साल से ये एक भी शो नहीं लगा, इसके कारण भी हो सकता। बीसीसीआई में भेद भी क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, बीसीसीआई का प्रेशर भी हो सकता है। कारण तो कोई सोचेगा अभी, उसका उनका जो खराब फॉर्म चल रहा है वो हो सकता है शायद, या फिर टीम की मजबूरी भी हो सकती है। अब पता नहीं क्या कारण हो सकता है, बीसीसीआई क्या किया उनके साथ, बीसीसीआई से मतभेद भी क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है उनके खराब फॉर्म के चलते वो लगता है। कारण तो एक ही लगता है, जो पिछले मैच में जैसे देखा गया कि जो DRS एक जो खराब गया था, जो बाउंस कर गई थी बॉल ऊपर, गुस्सा जो थे और जो 20-4 लोग जो आरोप लगा रहे थे कि गलत कहना था विराट कोहली का, थोड़ा एग्रेशन में वो सब निकल जाता है, लेकिन गुस्सा में कप्तानी छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जो भी रोहित शर्मा भी बहुत ही अच्छे कैप्टन है, 5 बार मुंबई को चैंपियन बनाए हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो क्या लग रहा है कि मेन कारण है बीसीसीआई से मतभेद की उनका फॉर्म? हाँ, वो जो थोड़ा गुस्सा का कारण हमें लग रहा है, जो मैच में हुआ उसी के कारण हमको लगता है विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है। देखिए, कारण कुछ नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में भी है, लेकिन हो सकता है कि विराट कोहली से भी बेटर कोई कर सकते हैं क्रिकेट प्लेयर में, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि विराट कोहली जो है वनडे के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट बैट्समैन है, लेकिन
टेस्ट में पुजारा हो गए हैं, फिर अजिंक्य रहाणे। कैप्टनशिप छोड़ने की क्या वजह लग रही है आपको? कैप्टनशिप छोड़ने की वजह सही है, हमको भी अभी समझ में नहीं आ रही, मतलब वैसा क्या लग रहा है कि वो अपने बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं या कि फिर बीसीसीआई से कोई मतभेद है इस कारण छोड़ दिए? अपने ऊपर जो बर्डन है उनको उसको थोड़ा सा मतलब रिड्यूस करके हो सके वो अपना मतलब जो होता है ना अपना बैटिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा राइज करेंगे, पिक में ले जाएंगे, ये हो सकता है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब हट के फिर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपने सुना कि रांची की जनता क्या कह रही थी, उनका कहना है कि विराट कोहली का खराब फॉर्म और बीसीसीआई से मतभेद एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, साथ में साउथ अफ्रीका से जो सीरीज हार हुई है ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन विराट कोहली जिस तरह से एग्रेसिव कैप्टन थे, इंडियन टीम को काफी ऊंचाई पर ले गए और उनका इस तरह से छोड़कर जाना वाकई में काफी अफसोसजनक है। कैमरामैन संजय के साथ प्रोजेस, न्यूज बाइस्कोप, रांची।